तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों, आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे चैनल टेक अप में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे कि ओरिजिनल हार्ड डिस्क और नकली हार्ड डिस्क दोनों में क्या अंतर है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सारा स्कैम चलता है और काफ़ी सारा स्कैम ये लगभग उन मार्केटों में चलता है जो कि इसकी होलसेल मार्केट होती हैं। तो आज मैं आपके सामने 1TB की हार्ड डिस्क लेके आ चुका हूँ, WD की, यानी कि वेस्टर्न डिजिटल की मैं हार्ड डिस्क लेके आ चुका हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ओरिजिनल और लोकल में आप फ़र्क कैसे पता कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि वो आपको रिपेयर्ड हार्ड डिस्क दे रहा है या फिर नई हार्ड डिस्क दे रहा है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहे हैं और आज की वीडियो में आप काफी सारी नॉलेजेबल चीजें जानेंगे। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल हार्ड डिस्क अगर आप WD की लेना चाहते हैं तो आपको 1TB तक की लेनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, 1TB, 2TB इस तरीके से आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप इसको 500GB, 250GB, 350GB, 320GB इस तरीके की लेना चाहते हैं WD की हार्ड डिस्क, तो वो आपको रिपेयर्ड वाली ही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि इतनी कम वाली हार्ड डिस्क इम्पोर्ट नहीं होती है। सबसे पहली बात, अगर आप इसको लेते हैं तो 1TB तक की ही ले। 1TB का मैं आपको पूरा आपको इंटरफेस दिखा देता हूं, सारी तरफ से देख सकते हैं। यहां पर आप इस तरीके की होती है, और साथ में ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 1TB, अगर आप 1TB लेते हैं तो वो आपको पूरी पैक मिलती है। देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से पूरी आपको एकदम पैक मिलेगी, कहीं से भी ये ओपन नहीं होगी। दूसरा, इसके ऊपर इस तरीके से स्टिकर्स लगे होंगे, जिस तरीके से आपको यहाँ पर ये स्टिकर्स दिख रहे हैं, देख सकते हैं। साथ में ही ये पूरी पैक रहेगी और एकदम चमचमाती होगी। और सबसे बड़ी चीज़, इसके अंदर आपको ये पैकेट भी मिलेगा वाइट कलर का, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए अब अगर हम लोकल वाले की बात करें या रिपेयर्ड वाली हार्ड डिस्क की बात करें, तो वो सबसे पहले आपको इस तरीके की पैकिंग में नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें पैकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस तरीके से पैकिंग में नहीं मिलेगी। पॉलिथीन इसी तरीके की होगी, लेकिन यहां से वो खुली रहती है पॉलिथीन, जो रिपेयर्ड वाली होती है, और वो इस तरीके से ऐसे करके और इसके ऊपर एक टेप लगा देते हैं, चाहे वो व्हाइट कलर का लगा दें, येलो कलर का लगा दें, ब्लू कलर का लगा दें। तो आप जैसे उस टेप को हटाएंगे, देन आपकी हार्ड डिस्क सीधा निकल सकती है। तो सबसे पहला आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, अगर आप 500GB या फिर 250GB, 350 लेना चाहते हैं, तो कंस्ट्रेंट करके कंपनी है, उसकी हार्ड डिस्क आपको ऐसे में नहीं मिल सकती है। दूसरी बात, अगर आप जब हार्ड डिस्क लेते हैं तो आपको शॉप वाला 1 ईयर की वारंटी दे देता है, तो आपको लगेगा जैसे कि वो नई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका फंडा भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अगर उसने 10 हार्ड डिस्क सेल कर दी, 1 ईयर की वारंटी के साथ रिपेयर्ड वाली सेल कर दी, तो उसमें से मुश्किल एक खराब भी हो जाएगी तो भी उसका मार्जिन निकल जाता है। तो अगर आपको वो वारंटी दे रहा है, तो उससे पूछे कि आप वारंटी किस तरीके की दे रहे हैं, आप अपनी शॉप से मुझे वारंटी दे रहे हैं या फिर आप कंपनी से दे रहे हैं। तो वो आपको यही कहेगा कि मैं आपको शॉप से वारंटी दे रहा हूँ 11 महीने की या फिर 1 साल की। 1 साल आप बोलेंगे तो मुश्किल से कर देगा, अदरवाइज 11 महीने तक की ही वो आपको वारंटी देगा। चलिए ये बात भी आपने जान ली है। अब अगर हम जान लें कि हम पहचान कैसे करें, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो रिपेयर्ड वाली हार्ड डिस्क होती है उसमें डबल इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट पड़ी होगी कि कब वो बनी थी और कब वो रिपेयर्ड होकर दोबारा मार्केट में पब्लिक हुई है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जो बार कोड सीरियल नंबर है, इसको आप वेबसाइट पर जाकर डालेंगे तब आप पता कर सकते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क जो है वो अभी वारंटी में है या नहीं है। चलिए अब अगर आप जानना चाहते हैं कि WD की या किसी भी और हार्ड डिस्क को आपकी वारंटी कैसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे, तो इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। उसके जरिए आप जान सकते हैं कि WD या फिर कोई सी भी हार्ड डिस्क की जो है वारंटी को कैसे चेक करें। और अगर आप मेरे को कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, तो आप ऑनलाइन जाकर इसकी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता है उसमें, आपकी कंट्री पूछेगा, कंट्री डाल दीजिए आप वेबसाइट पर, और आपका प्रोडक्ट कौन सा है उसको डाल दीजिए। तीसरा, आपका ये जो सीरियल नंबर होता है SN नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसको जैसे ही आप डालेंगे और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे, देन कंफर्म करेंगे, तुरंत आपकी वारंटी लिखी हुई आ जाएगी। अगर मैं इसकी आपको वारंटी दिखाऊं, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में आपको वारंटी दिख रही है कि ये मेरी अभी भी वारंटी में और इसको मैंने अभी ही परचेस करा है। तो बाकी आप लोगों ने देख लिया इसको। साथ में ही अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो ब्लू कलर की थीम होती है, इस पे स्टिकर होता है, ग्रीन कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, तो ये सारे क्यों होते हैं, इनका भी मतलब होता है, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट कर देना। बाकी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारी हार्ड डिस्क हैं, सीगेट की भी है, हिताची की भी है, बाकी सारी काफ़ी सारी हार्ड डिस्क आप देख सकते हैं, तो इनके ऊपर भी मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। हाँ, साथ में अगर आप जानना चाहते हैं मेरे को किस प्राइस रेंज में पड़ा है, तो ये मेरे को 2950 का पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, 2950 में ये मेरे को मिल गया है, मैंने होलसेल की मार्केट से ख़रीदा है। अदरवाइज़ अगर आप ऑनलाइन वगैरह लेंगे तो 4 से 5 हज़ार का मिलेगा, या कहीं नॉर्मल शॉप
चलेंगे तो भी 4,000 से 5,000 का पड़ेगा। तो आज की वीडियो में आपने जान लिया कि दोनों में डिफरेंट क्या होता है असली और नकली में। साथ में ही आपको कंडीशन भी बता देगी रिपेयर वाले की, उसमें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी रह जाती है, साथ में उसके जैक जो होते हैं यहाँ पर साटा डाटा, ये दोनों में थोड़े थोड़े कलर चेंजेस होता है। तो चलिए आज की वीडियो में आपने काफ़ी सारी चीज़ें जानी। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।